नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस समेत कई देशों में महिलाओं ने किए प्रदर्शन। वॉशिंगटन में करीब 5 लाख महिलाओं ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। बिना वीजा हांगकांग नहीं जा पाएंगे भारतीय। वीजा मुक्त सुविधा को हांगकांग की सरकार ने लिया वापस। चीन के दबाव में लिया गया फैसला। चिप बनाने वाली मशहूर कंपनी क्वालकॉम को एप्पल ने कोर्ट में खींचा। कंपनी पर लगाया चिप की ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप। कंपनी से मांगा 68 अरब रुपए का हर्जाना। अगले हफ्ते 2 दिवसीय वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। कहा नाटो की आवश्यकता और महत्व को पहचानते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाली पहली विदेशी नेता होंगी थेरेसा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में इटली के दूतावास के नजदीक कार बम विस्फोट। 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटली के शहर हंगरी के राजमार्ग पर छात्रों की बस में लगी भीषण आग। 18 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। पुलिस और दमकल विभाग ने दी जानकारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।